हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम यहाँ पे राउंड कॉलर नेक विद वी प्लेकेट के साथ कट करेंगे। एंकर थ्रेड और डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे। उससे पहले गाइस मैं बता दूँ कि मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम अपने नेक की विड्थ लेंगे 3.2 इंच, और बैक पोर्शन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, और फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे 3.5 इंच, और हल्की गोलाई देंगे, ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन को हम यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के बाद गाइस देखिए, जो मेरा बैक पोर्शन है 1 इंच मैंने जो एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच की हम यहाँ पे गोलाई देंगे, और इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वी प्लेकेट बनाएंगे। जो मेरे नेक की लंबाई है वो है 7 इंच, तो यहाँ पर मेरी वी शेप यहाँ पर 3 इंच की आएगी। तो हम यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके रखेंगे। 10 इंच की मैंने पेपर पेस्टिंग की लंबाई ली है। 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच लेंगे, और यहाँ पे एक वी बनाएंगे। उसके बाद जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग है, इसकी 9 इंच हम यहाँ पे लंबाई लेंगे, और उसके बाद हम सेंटर से इसकी चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। और अब हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद वी शेप को भी हम यहाँ पे कट करेंगे। इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे कुछ निशान लगाएंगे क्रॉस करके। क्रॉस करके निशान इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम नीचे की तरफ एंकर थ्रेड का यूज़ करेंगे। ब्लैक एंकर थ्रेड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जितने भी हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम मशीन को चलाएँगे, और यहाँ पे हम देखिए ब्लैक एंकर थ्रेड के साथ इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जितने निशान हैं सभी के ऊपर हम मशीन को चलाएंगे, और उसके बाद गाइस मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि जो मेरा एंकर थ्रेड का काम है वो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे को। उसके बाद देखिए, मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, साइडों से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे अंडरग्राउंड डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पाइपिंग बनानी नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं दोनों तरफ जो मेरी ये पाइपिंग है हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, फिनिशिंग के साथ हमने अटैच कर ली है। जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा पाइपिंग का, और ऊपर की तरफ, इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम कुर्ती के सेंटर में अपनी ये जो हमने प्लेकेट बनाई है, हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हल्का सा एक कट देंगे हम सेंटर में, और इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद गाइस, जो हमने पाइपिंग यहाँ पे लगाई है, बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर एक सिलाई देंगे, और जिससे कि हमारी ये प्लेकेट यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ये हमने इसको फिक्स कर दिया है अपनी प्लेकेट को। और जो अब हमारे शोल्डर हैं यहाँ पे, फ्रंट और बैक पोर्शन को हम दोनों को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद गाइस, हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग लेने से पहले जो हमारा कॉलर कुर्ती का, जो हमारा यहाँ पे हमने कॉलर के लिए नेक कट किया था, उसको हम मेज़र करेंगे। सेंटर से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे कि हमारा नेक यहाँ पे कैसा आएगा। जो हमारी राउंड शेप है, बिल्कुल हम इंची टेप को ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच है। 9 इंच यानी 18 इंच हमारा कॉलर यहाँ पे कट होगा। तो हम यहाँ पे देखिए, डबल फोल्ड पेपर पेस्टिंग लेंगे। जो नेक की विड्थ है 3.2 इंच, बिल्कुल स्ट्रेट कॉलर हमारा यहाँ पे कट होगा बैक पोर्शन के लिए, और 2 इंच की हम यहाँ पे शेप देंगे। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे हम 9 इंच की, क्योंकि कॉलर की लंबाई हमारी 18 इंच आई थी, तो हम स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। अब हम शेप देंगे, देखिए। उसके बाद शेप देने के बाद हम यहाँ पे 9 इंच मेज़र करेंगे दोबारा। तो सेंटर से मैंने देखिए 9 इंच इंची टेप रखा है, और जो गोलाई है हमारी, इंची टेप को भी ऐसे ही घुमा के देखेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है, 9 इंच कम्प्लीट हो गया है। अंदर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, पिन का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी पेपर पेस्टिंग है वो हिले ना, और उसको अब हम कट कर देंगे। फिर
फिनिशिंग के साथ गाइस कट करें, अगर निशान लगाते हुए हल्की बहुत गोलाई में फ़र्क आ जाता है तो आप कट करते समय उसको कंप्लीट कर लें अच्छे से। तो ये देखिए हमारी कॉलर कट हो गया है, कपड़ा लिया है सेम गोलाई में हमने कट कर लिया है और इसके किनारे को हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया है, आगे की तरफ से हाफ इंच मार्जिन रखा है हमने यहाँ पे। एक कपड़ा और लेंगे और यहाँ पे इस कपड़े को हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। मार्जिन रखते हुए हमने देखिए यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया है और अब हम अंदर की तरफ यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दें, जो हमारा कॉलर का ये फ्रंट का हिस्सा है, जो आगे से हमारा हिस्सा है यहाँ पे कॉलर का, उसको हमने स्टिच नहीं किया है, उसको हमने ऐसे ही ओपन रखा है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब हम दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और जो अंदर की तरफ है गाइज, यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हल्के कट देंगे गोलाई में। हल्के हल्के कट देने के बाद हम इसको प्रेस के साथ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और जो मेरा कॉलर का आगे का हिस्सा है उसको हम यहाँ पे देखिए बाद में स्टिच करेंगे, क्योंकि जो हमने ओपन रखा है वो बाद में हम इसको स्टिच करेंगे। और जो सेंटर पॉइंट लेंगे हम अपने कॉलर का और यहाँ पे हल्का सा एक निशान लगाएंगे, ऐसे ही हम अपनी कुर्ती पे भी बैक पोर्शन का सेंटर करेंगे। और जो हमारी शोल्डर की ये देखिए सिलाई है, हमने इसको क्रॉस करके प्रेस कर लिया है। गाइस इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा शोल्डर है वो खींचने लग जाता है। इसको सेंटर कट हमने दे दिया। अपनी कुर्ती को हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है हम उसको भी उल्टा रखेंगे और दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और हाफ हाफ करके हम बिल्कुल कॉलर को हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। कॉलर के बिल्कुल एंड पॉइंट तक हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे और जो ओपन एरिया है जो हमारे कॉलर का, हमने फ्रंट पोर्शन जो ओपन रखा है यहाँ पे, हम इसको बाद में स्टिच करेंगे। गाइस ये हमने इसलिए ओपन रखा है क्योंकि कॉलर लगाते हुए हमारा जो कॉलर है वो छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है गाइस, जो हमारा कॉलर हमने आगे से स्टिच नहीं किया है तो हम बाद में इसको स्टिच करेंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। उससे हमारा पता ही नहीं चलता कि जो हमारा कॉलर छोटा या बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये स्टिच होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी इसको कंप्लीट स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम अपने कॉलर को फ्रंट की तरफ, जो हमारा सीधा हिस्सा है हमारी कुर्ती का, वहाँ पे हम देखिए ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम देखिए अपने जो कॉलर है इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और जो आगे का हमने ओपन हिस्सा रखा था उसको बिल्कुल अपनी जो हमारी वी शेप है उसके इक्वली हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है गाइस, जो हमारा प्रॉपर फिनिशिंग आती है, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ पे अटैच होगा। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से भी इसको स्टिच करूँगी और ये स्टिच करने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी कि जो हमारी शेप है यहाँ पर वो बिल्कुल, ये देखिए अच्छी आई है यहाँ पे। और जो ये कॉलर के आगे का हिस्सा, ये जो है ये मार्जिन है हमारा कपड़े वाला, सुई के साथ उसको आगे से अंदर करेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अपने कॉलर को स्टिच कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइस हमारा ये कॉलर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और उसके बाद हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे कुछ बटन्स का यूज़ करूँगी, उसके बाद बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे वहाँ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको मेरी फ़ैशन से रिलेटिव नई नई अपडेट्स कैसी लगती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।